हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि नाराज पितरों को मनाने के लिए हमें सोमवती अमावस्या पर उन्हें कैसे खुश करें और पितृ दोष से मुक्ति कैसे मिले और धन दौलत से घर हमेशा भरा कैसे रहे। इसके लिए मैं 5 उपाय आपको बताने जा रही हूँ। साल की पहली सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को है। सोमवती अमावस्या पर स्नान दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व है, लेकिन उस अवसर पर आप अपने नाराज पितरों को भी खुश करने का मौका आपको मिलता है। सोमवती अमावस्या में पितरों को खुश करने के क्या उपाय हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए उस दिन सोमवती अमावस्या है। साल की पहली सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को है। सोमवती अमावस्या पर स्नान दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व है, लेकिन उस अवसर पर अपने नाराज पितरों को खुश करने का मौका बिल्कुल ना छोड़ें। जिन लोगों के घर पे पितर नाराज होते हैं उनको पितृ दोष लगता है, उनके जीवन में कई कष्ट आते हैं, उनकी तरक्की नहीं हो पाती है और उनको जीवन में वो सब चीज़ें नहीं मिल पाती जिनके वो खुश नहीं रह पाते हैं और वंश की वृद्धि नहीं हो पाती है। इंसान का दिमाग कुंठित रहता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो मैं इसके बारे में बताऊँगी। सोमवती अमावस्या 2024 सोम मुहूर्त हैगा कि 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या सुबह के टाइम 3:11 AM को लगेगा और जो कि 8 अप्रैल को सोमवार रात 11:50 PM तक अमावस्या की तिथि रहेगी। अमावस्या पर स्नान दान का समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही है, जो 4:32 AM से शुरू हो जाएगा। सोमवती अमावस्या पर नाराज पितरों को खुश करने के लिए मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताऊंगी। अगर आपको लगता है कि आपके घर में पितर दोष है तो आप ये उपाय करके अपने जीवन में अपने पितरों को खुश करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन प्रातः काल में स्नान कर लें, उसके बाद पितरों को स्मरण करके जल से तर्पण दें। तर्पण काल में समय में काले तिल, सफ़ेद फूल और कुश का उपयोग करें। तर्पण करने से पितर तृप्त होते और खुश होकर आशीर्वाद देते। उनकी कृपा से वंश धन सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। सोमवती अमावस्या के अवसर पर स्नान और दान के बाद पीपल के पेड़ की जड़ को जल से सींचे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु, शिव जी और ब्रह्मा जी का वास होता है। यदि आप पीपल के पेड़ की सेवा और पूजा करते हैं तो आपके पितरों को लाभ होगा, उनके दुखों का अंत होगा और वे मोक्ष को प्राप्त होंगे। सोमवती अमावस्या के दिन आप स्नान दान करने के बाद अशोक का पौधा लगाएं और प्रतिदिन उसकी सेवा करते रहें कि अशोक का पेड़ भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है, उनकी कृपा से ही व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप सोमवती अमावस्या पर अशोक का पौधा लगाएं। इस उपाय को पितृपक्ष में ही करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर लें, लेकिन इस दिन पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें, उनके मंत्रों का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बाद इससे मिलने वाले पुण्य को अपने पितरों को अर्पित कर दें। इससे पितर खुश हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। और आप गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ कर सकते हैं। जिस तरह भगवान ने गजेंद्र की सहायता की, उसी प्रकार ये ईश्वर हमारे पितरों की भी सहायता कीजिए और उनकी मोक्ष दीजिए, जिससे वो हमें आशीर्वाद दे और हमारे बिगड़े काम बना दे। अगर वो खुश हो गए तो हमें सब कुछ दे सकते हैंगे। सोमवती अमावस्या पर शिव को बेलपत्र अर्पित करें और शिवलिंग का अभिषेक करें। बेल के पेड़ को जल से सींचे और उनमें कलावा बांधे। इस उपाय से पितर लोग खुश हो जाएंगे और जब पितर लोग खुश हो जाएंगे तो आपके जीवन की हर समस्या दूर हो जाएगी। पीपल के पेड़ में आप जल चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें और अशोक का पेड़ आप नहीं लगा सकते तो कृपया आप अशोक के पेड़ में जल ही चढ़ा दीजिए और अपने पितरों के नाम से, और तुलसी की भी आप पूजा कर सकते हैंगे। और पितरों को तर्पण, अगर जिसको लगता है कि उसके घर में पितर दोष है और पितर नाराज है, तो कृपया आप छोटा सा उपाय करके उनको तर्पण जरूर दीजिए, जिससे वो खुश हो जाए और आपके जीवन में जो भी कष्ट है वो आपको ना झेलना पड़े। इसके लिए आप ये छोटा सा उपाय करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और पितरों की कृपा पा सकते हैं। साल की पहली सोमवती अमावस्या को हाथ से जाने ना दें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए।